सो गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्किंग कर दी है, तो अभी कितने दिन के लिए पार्क होगी पता नहीं, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, बट कितने दिन के लिए भी हो, पास तो है मेरे पास तो, लेकिन 31 से पहले तो आ ही जाऊँगा। एक प्रभा देवी वाया दादर, थैंक यू। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड मैं जा रहा हूँ लॉन्ग वीकेंड पे कुछ दिनों के लिए, मतलब मैं रत्नागिरी जा रहा हूँ, तो फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ प्रभादेवी स्टेशन पर, वहाँ से फिर मेरे दो फ्रेंड आने वाले, एंड वहाँ के डेपो से हम बस पकड़ के फिर जाएंगे। एक्चुअली वो बस है ना पनवेल में भी आती है, बट पनवेल में आने तक वो बस पूरी भर जाएगी, इसलिए मैं जा रहा हूँ प्रभादेवी, जहाँ से फिर हमें खाली बस मिलेगी, अच्छे से सोने मिलेगा ओवर नाइट, बिकॉज ओवर नाइट जाने वाली बस में तो कम्फर्टेबल सीट बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल तो मैं आया मानसूर स्टेशन पे, एंड यहाँ से निकलते फिर आगे, फिर से दवा पे मिलते, चलो 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 चलो। तो फाइनली मानसूर और कुर्ला, एंड कुर्ला से दादर तक का सफ़र मैंने तय कर लिया है। तो टाइम हो रहा है अभी 9, मतलब 9 बज गए, तो फाइनली मिलते टाइम कृष्णा को भी यहाँ पे मैंने पिकअप कर लिया है, प्रभा देवी से फिर हम पकड़ेंगे बस। तो जस्ट उतरे हैं, एक ट्रेन छुट गई, कुछ नहीं ट्रेन तो आते नहीं, फिर नेक्स्ट ट्रेन का वेट करते हैं, एंड हाँ सफर तो काफ़ी रोमांचक होने वाला है। तो चलो बाकी की जर्नी बस से स्टार्ट होने वाली है, तो सीधा वहीं पर मिलते हैं। तो अभी डेपो में तो गए थे, बट बस है 12 बजे की, एंड अभी हो रहे 9:30, मतलब काफ़ी टाइम है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम है, काफ़ी टाइम है, भूख लगी नहीं थी। बट यहाँ पे कुछ एक होटल है आसवा चाइनीज सेंटर, तो यहाँ पे बस स्टॉप, एंड बस स्टॉप के सामने होटल है, तो हमने थोड़ा कुछ नॉर्मल सा कुछ खाना ऑर्डर कर दिया है। तो मैंने लिया है ट्रिपल राइस, कृष्णा ने लिया है चॉपर राइस, एनिस ने लिया है फ्राइड राइस, ओके, और मितेश ने लिया फ्राइड राइस। तो देखने में तो काफ़ी मस्त लग रहा है, एंड प्राइस भी काफ़ी वैल्यूबल है, इसकी 100 रुपीज़ है, उसकी 120। तो 2 घंटा काफ़ी टाइम है यार, तो चलो टाइम पास तो हो जाएगा वैसे तो। सो खाना तो अभी हो गया, एंड वाकई में काफ़ी डिलीशियस खाना था, मैंने उसको फीडबैक भी दे दिया कि काफ़ी मस्त था खाना, एंड पेट भर के खाया। एक्चुअली पेट भर के खाना था नहीं, ओवरनाइट ट्रैवलिंग जो करना है। सो मैं तो आ गया अभी बस स्टॉप के अंदर, बस है 12 बजे की, एंड अभी बज रहे 10। पिछली बार भी हम गए थे ना, तो यहीं से बस पकड़ के गए थे, हालांकि ट्रेन का ट्रैवल अब तक किया नहीं हमने, बट ट्रेन का ट्रैवल भी काफ़ी मज़ेदार हो सकता है। ट्रेन का ट्रैवल नहीं पता है क्या तेरे को, क्या वहाँ से स्टेशन के ऐसे दूर हो? नहीं, ट्रेन से कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि ट्रेन से मोस्ट, ट्रेन से ज़्यादा कंफर्टेबल भी होता है ना, और जल्दी भी पहुंच जाते हैं वैसे तो हम। कोई नहीं, बस का ट्रैवल भी इतना बुरा है नहीं, बस वो उड़ते रहते धाड़ धाड़ धाड़। तो चलो थोड़ी देर वहाँ पे जाके रेस्ट करते हैं। समझ के बिना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। सो गाइस, बस अभी सामने लगी है, एंड बचे सिर्फ 15 मिनट। यस, तो अभी हो रहे 11:45, तो 15 मिनट में हमारी बस निकल जाएगा, एंड देख सकते हो कि अभी तो सारे लोग बढ़ गए अभी तो। सो मे भी सब लोग इसी के लिए आए हो गए है ना, बिकॉज 10 बजे जो गाड़ी गई तब तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बस स्टॉप खाली हो गया था, हम लोग ऐसे इधर उधर भटक रहे थे, बट अभी पूरा भर गया है, तो देखते 15 मिनट में बस लगने वाली है, तो बस तो सामने है, थोड़ी देर वेट करते हैं यहीं पर बैठ के। पूरा 2 घंटे रील्स देखने में हमारा चला गया है, और थोड़ा हमने यहाँ पे वीडियो शूट भी, रील्स वगैरह भी बना दिए है, अगर आपने इंस्टा पे फॉलो किया है तो आप वहाँ पे जाके मेरे रील्स भी देख सकते हो नाइट आउट के। तो गाइस फाइनली इंतजार खत्म हो गया है, चलो चलते हैं बस में। चल ओ 11:52 को चालू हो गया, हे भूख आराम से रखना। ए यार क्या ये आत्माराम, गंदा हो गया बैग पूरा। कितना नंबर है इधर? 13-14। पहले तो ये कंफर्म कर लेते कि सीट रिजर्व है क्या नहीं, बिकॉज वो बाद में आके बोले कि सीट रिजर्व वगैरह है, तो उठना पड़ेगा आधी रात को नींद में से भी,
तो पहले हम पूछ लेते हैं। अभी कृष्णा तो आगे वाली सीट पे बैठा था, तो भाई साहब आ गए और बोले सीट रिजर्व है हमारी है 11-12, तो उठा के उसको पीछे फेंक दिया। वो 13-14 भी बुक थी, तो अभी हम आ गए 19-20 पे। पब्लिक बढ़ती जा रही है। 16 है, 20 है, 17 है, 18 है। 21-22 है का? नहीं 21-22 नहीं। चल पीछे बैठ जाते फिर। फाइनली उनके पास जो टिकट था बुक किया हुआ रिजर्वेशन का, तो उसमें तो 21-22 नंबर है, उन्होंने बोला नहीं, बाकी के सब बुक थे। यो यो यो, सो फाइनली बस हमारी निकल रही है यहाँ से बाहर। चले उदय 12-14 को जर्नी स्टार्ट हो गई है। नींद तो आ नहीं रही है, बट थोड़ी देर गाना सुनते बैठते हैं एंड फिर पता नहीं बीच में गाड़ी रुकेगी तो रुकेगी या नहीं रुकेगी, तो बाकी की वीडियो हम वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो चलो फिलहाल थोड़ी देर आराम करते हैं, यार बहुत थक गया हुआ अभी तो। सो टाइम हो रहा है 5:47 एंड देख सकते हो पूरी की पूरी बस खाली है, मतलब पीछे के स्टॉप पे खाली हो गई थी, बट हम तीनों ही थे जो बस में लास्ट में ट्रैवल कर रहे थे। किधर आ गए? अरे किधर रुको, ये पहुंच गए क्या? अरे यार इतना अंधेरा है, कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है अभी तो, इतना अंधेरा। ओ माय गॉड। अच्छा हाँ, मेरे को याद आया किधर आए अपन। यहाँ से अभी सीधा सीधा रास्ता है ना, मतलब कम से कम 10 मिनट चलना है अभी यहाँ से अपन को। ओ माय गॉड, मेरा इतनी ठंडी बज रही थी ना गाइस, सीरियसली पूरा ऐसा मेरा ऐसा लगा कि दिमाग में ठंडी घुस गई मेरे पूरा एकदम, और सोने को तो हुआ ही नहीं पहली बात।